अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं और बिलाल भाई आपको लेके जा रहे हैं यूपी मार्केट में, जहाँ पर आपको ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम सामान बआसानी और बहुत ही सस्ते रेट पर दस्तयाब है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैरियत से आज हम जा रहे हैं मोड़ बाज़ार में, जहाँ से जो जिसको चोर बाजार से जाना जानते भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ये चोर बाजार से उसे जाते हैं। सब कुछ मिलता है ना वहाँ पे, सब कुछ आपको मिलेगा और सही से सही दाम में। आज आप लोग को लेके जाएंगे वहाँ पे दिखाने के लिए। अभी हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं और हर की तरफ से तुम लोग को वीडियो बना के दिखाएंगे कि किस किस तरह से रोक जाते हैं। हम लोग तो निकले हैं नेवल कॉलोनी से, नेवल कॉलोनी से हम निकल रहे हैं अब यूपी मोड़। अभी प्यास लगी थी, कोल्ड ड्रिंक पी, प्यास लगी है, आप खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी के और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। आप लोग को सबको दिखाएंगे सारे रोड किस तरह से रास्ते निकलते हैं और किस तरीके के रोड हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ये स्ट्रिंग बहुत पसंद है बिलाल भाई को। मुझे स्ट्रिंग बहुत पसंद है, तो आज हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं, हम और जैन दोनों मिलकर स्ट्रिंग पी रहे हैं, और स्ट्रिंग की हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। तो पेप्सी बहुत प्यास लगी हुई थी इसकी, और स्टिंग में यार कुछ पीने का मजा ही अलग है। अगर खास करके थोड़ा सा ठंडा हो, एक ही दफा लगा के पीने में बहुत मजा आ जाता है गले को भी। बिल्कुल, संभाल के गले का बेड़ा करना हो। बिल्कुल, इस तरीके से पीना है। ये नाजरीन, इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमारा ये सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे जो मेन चारा है वो आपको हम दिखाते रहेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। ये अभी पेट्रोल डलवाया आपने? हमने पेट्रोल डलवाया, बार हमने टैंकी में डायरेक्ट नहीं डलवाया। अच्छा, हमने बोतल में डलवाया, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे मुल्क में जो है ना पेट्रोल की चोरियाँ बहुत होती रहती हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से हम लोगों ने बोतल में डाल के उसके बाद अपने गाड़ी के टैंकी में डलवा दिया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, रास्ते में आप लोग को सारा रास्ते का वीडियो दिखाते रहे। चले ठीक है जनाब। ये इस वक्त हम जंगल स्कूल, हमारा बल्दिया टाउन का है, और यहाँ से हमने पेट्रोल लिया है, अब हम निकल रहे हैं अपने रास्ते पे। अब देखें आगे हम कहाँ स्टे करते हैं, फिर वहाँ की आपको वीडियो दिखाते हैं। अभी हमने राइड शुरू कर दी है। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमें। थैंक यू, वीडियो एंड तक देखना है आपने, बहुत मज़ा आएगा वीडियो के एंड में, क्योंकि हम मार्केट जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये हम अभी हमारा जो रोड है, एक अंदर से हम जा रहे हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और घर देखें आप पहाड़ी के ऊपर बने हुए, देख रहे हैं आप। शायद आप लोगों ने जगह देखी नहीं होगी, जो बल्दिया टाउन के रिहायशी हैं उनको पता होगा, लेकिन जो बाहर के हैं ना उनको नहीं पता, और जो मेरे व्यूअर्स इंडिया के लाहौर के हैं उनको भी बिल्कुल ज़ाहिर है कराची को पता नहीं। लेकिन मैं आज उनको दिखा रहा हूँ कि हमारे फ़कीर कॉलोनी जो ये इलाका है वो देखें पहाड़ी पे घर बने हुए, देख रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन का जो हाल है वो बड़ा ही बुरा है। यहाँ पर पानी बहुत खड़ा था, पता नहीं अब ये मीठा पानी है काहे का पानी है। हम जा तो रहे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं आप औरंगी टाउन का ये रास्ता है जो हमारे रास्ते में आता है, और यहाँ पर गंदगी बहुत है भाई, कीचड़ है और पानी है, देख रहे हैं आप टूटे फूटे रोड है यहाँ के, बड़े ही खतरनाक, डर लग रहा है बिलाल भाई को गाड़ी चलाते हैं। आपको इस रोड पे आके कैसा लग रहा है? यार समझ में नहीं आ रहा कि पाँव कहाँ पे रखे हैं, जैसे ब्रेक लगाने के टाइम हो तो टांग तो नीचे रखना है, तो वो कहाँ पे रखते हैं यार? या पानी पानी है सारा, पूरा पानी पानी का रोड खराब है, अब देखो रुकना पड़ रहा है, अभी कीचड़ में अगर रुक जाए तो पूरा पाँव खराब हो जाता है, चप्पल खराब हो जाती है यार। हमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भाई ये रास्ते बनाए, हाँ जी, के आवाम अपने सुकून से रास्ते से कहाँ पे जाए बंदा, यहाँ भी यहाँ से थोड़ा रोड क्लियर है, गवर्नमेंट स्कूल भी है कोई यहाँ पर, ये पार्क भी है यहाँ पर एक, लेकिन हालत कोई बुरी है यहाँ की, बहुत बुरी है। चले अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे हम कौन से रास्ते पे बिलाल भैया मिलेंगे। नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं बनारस के पुल पर, बनारस के ब्रिज पर, और ये ब्रिज कहा कहा जाता है कि एशिया का दो नंबर पे आता है ये ब्रिज, इतना बड़ा है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पूरे ब्रिज की वीडियो देखा करें बड़ी केयरफुली। अभी हम बनारस के पुल पर जो है चढ़ने लगे, और डर भी लगता है, हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ गाड़ी लेके ना चले जाए।
जी तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं, अब कौन सा कॉलेज है, अब्दुल्ला कॉलेज अगर आप पढ़ सकें। ये वुमेन कॉलेज है जो कि बनारस का पुल उतरते ही आप जैसे लेफ्ट पे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे अपने, तो ये गलत है ओवरटेक किया है जिससे बाकी लोग भी परेशान हुए हैं। ये इस वक्त आपने लाइव देख लिया कुदरती, मैं तो भी लोग बना रहा था। और ये मार्ट है बहुत ही खूबसूरत है, ये यहाँ पर भी कभी आएंगे और आपको लेके जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये अब हम चढ़ गए हैं केडीए चुरंगी जो कि है, और यहाँ पर देखें लोग टिकटॉक भी बना रहे हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर भी फ्लैट्स वगैरह हैं सारे। और अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और आगे साइमा पल्स एक शॉपिंग मॉल है वहाँ पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बस कुछ ही देर में हम इंशाल्लाह मार्केट पहुँच जाएंगे और वहाँ के भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। जी जी तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मार्केट जो है पहुँच चुके हैं, और बिलाल भाई जो है आते के साथ ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए। शूज़ देख रहे हैं यहाँ पर और शूज़ की सेल लगी हुई है। बिलाल भाई कैसे शूज़ हैं यार? शूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के शूज़ हैं जो मार्केटों में आपको 1200-1500 में मिल जाते हैं, कुछ कुछ 2000 में मिल जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 600 में 500 में मिल जाते हैं। अरे बेहतरीन, 600 रुपये में ये शूज़ मिल रहे हैं, जो मार्केटों में कुछ जगहों में आप 600 रुपये मिल जाएंगे। तो नाज़िम देखें आपके लिए ही आज निकले और वीडियो बना रहे हैं, आपको पूरा यूपी मार्केट घुमाएंगे हम। अगर आपने अभी तक हमारे शॉप से जाके 1500-2000 का लेगा तो यहाँ से बेच रहे 600 रुपये का लेगा, 6 महीने साल की चल जाए तो क्या? क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी सही है यार, मैं तो यूज़ करता हूँ। बेहतरीन। ये हमारे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान भाई ने हमें ज्वाइन किया और बता रहे हैं कि मैंने भी शॉपिंग की और अच्छे शूज़ हैं, तो आप भी ज़रूर एक बार आके ट्राई की। फ्रेंड्स अभी हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं और अब हम चलेंगे किस तरफ जाएंगे बिलाल भाई? अब हम सबसे पहले चलेंगे अलमारियों, हम जाएंगे अलमारी फर्नीचर मार्केट में, और वहाँ पर फर्नीचर मार्केट में जाएंगे, वहाँ कुछ देखेंगे, अगर कुछ समझ में आता है तो फिर वो लेते भी हैं। तो अभी चलते हैं आगे और आपको देखते भी रहिए। आप यहाँ पर हर चीज़ है भाई, घड़ी बर्तन बर्तन चूल्हे मूल्हे, ये मुर्गा है, हाँ मुर्गे को तोते के पिंजरे में बांधा हुआ, ये कहना चाह रहे हैं बिलाल भाई। हाँ जी तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूपी की मार्केट में, जहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही रश, और यहां पर इसी तरह हर इतवार को रश होता है, और यहां पर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया जो है मिल जाती है, जैसा कि पुराना सामान भी मिलता है यहां से, नया भी मिलता है। आप अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि यह चोर बाज़ार भी लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसा। यहाँ पर जो यूजेबल सामान, जिस तरह बड़े जो इलाके हैं हमारे डिफेंस के, वो अपने पुराना सामान को भेज देते हैं फिर नया लेते हैं, तो वो सामान कुछ यहाँ पर आता है, कुछ और जगहों पर जाके सेल हो रहा होता है। जिस तरह हम अगर कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो पुरानी चीज़ को निकाल देते हैं, वो इनको दे देते हैं, फिर इनसे कोई और ख़रीद लेता है। तो आगे चलेंगे मजीद यहाँ की आवाम से जानेंगे कि वो यहाँ पर आएँ क्या सोच के इस मार्केट में आए। थैंक यू। मिठाई भी है भाई, बच्चा बोतल से बाय बाय कर रहा है। बिलाल भी कहाँ रह गए? बिलाल भी पीछे रह गए। ये भाई हमारे पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है आपको पता है, जैसा कि पेट्रोल गवर्नमेंट ने इतना महंगा कर दिया है कि आवाम पैदल चलने पे मजबूरी है। हमारे एक और भाई पैदल जा रहे हैं। वाह जी वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग आगे जाते हैं, हम पीछे आ रहे हैं, हम साइकिल पे आ रहे हैं। वाह जी वाह, माल्टे का जूस और सेवर भी हैं भाई, ये देखें शूज़ भी हैं, हर चीज़ ही है जनाब, यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको। और माशाल्लाह से रश देखें आप, पेंटे भी हैं और आलू की चाट भी है भाई। अच्छा लाइब्रेरी का सामान भी, बुक्स वगैरह भी यहाँ पर मिलती हैं, अगर आपको कोई बुक मतलब चाहिए हो यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है। ये देख लें, ये भी मिलता है, तो आप यहाँ पर आके हर किस्म की चीज़ें ले सकते हैं, ना सिर्फ फर्नीचर, ना सिर्फ मोबाइल का सामान, शूज़ मूज के अलावा लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है जनाब। बिलाल भाई क्या पढ़ रहे हो? ये जो है ना हम पढ़ रहे हैं बाजी की बुक। बाजी की बुक पढ़ना है, बाजी की स्टोरी पढ़ना है। अच्छा अब पता नहीं कौन सी बाजी अंदर है। ये देखें जी परफ्यूम भी है यहाँ पर, रश तो भरपूर है।
देखें ड्रिल मशीन भी है, यानी कि हर चीज़ ही है यहाँ पर भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन है? फर्नीचर मिल गया बिलाल भाई को, फर्नीचर मिल गया बिलाल भाई। चलें आगे आगे, हम आपको कवर कर रहे हैं, आगे चलिए, सब मिलेगा। ये बिलाल भाई ने जंप मारा नदी से। जी नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बेड मौजूद हैं जो कि मेटल के हैं, स्टील के हैं, और बड़े अच्छे डबल बेड हैं। अब हम यहाँ से भाई से पूछेंगे कि इसकी क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? इन सब के बेड के प्राइस बताओ। स्टील में रखा हुआ है, उसके साथ पड़ेगा आपको 24,000 रुपए का, ये पड़ेगा 25,000 रुपए का, मेरा आपने बना है। ठीक है, ये भी 24,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, खाली बेड है ये? खाली बेड और गद्दे के साथ। बेड और गद्दे के साथ 4x6 का बेड है, आयरन में, ये पड़ेगा आपको गद्दे के साथ 12। बराबर वाला 5x6 का, वो पड़ेगा 16,000 रुपये। बराबर वाला वो फुल साइज़ का 6x6.5 में, वो पड़ेगा आपको 18,000 रुपये का, फोन के साथ 12,000। ये रेट बढ़ गए हैं क्या? रेट बढ़ गए मार्केट में। आपका स्टील का यहाँ 2-3 ये लगते, वो बंद हो गए स्टील का माल, अब जरा बहुत कम लेके आना है, हर दो हफ्ते बाद 2,000-2,500। ये यूज़ में है कि न्यू है? न्यू बिल्कुल। अच्छा, न्यू है ये, और यूज़ में सस्ते मिल जाते हैं यहाँ से? ठीक है, यूज़ में बेड गद्दा तो फुल साइज़ का आपको 18,000 का मिल रहा है, वरना बगैर गद्दे के आप बेड आप मालूम करें तो 15-16,000 का। जिस स्टॉल पे, जिस शॉप पे खड़े हैं, हम उन भाई का नंबर भी आपको बताते हैं, अगर आपको लेना हो तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिएगा। अपना नंबर बता दें। 03-08-9270 व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई चीज़ देनी हो या बेचनी हो या लेनी हो तो उसके मुताबिक आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, आपने देखा कि आपको बैट भी दिखा दी और आपको नंबर भी मजीद दे दिया। व्हाट्सएप पे इनको चैट कर सकते हैं और चैट करके इनको अपनी चीज़ आप सेल भी कर सकते हैं और इनसे परचेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग दे रहे हैं, कल अगले हफ्ते आप लोग आओगे तो यही रेट होगा। नहीं, ये आज की डेट है, कल क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। जाहिर है जब पेट्रोल नहीं टिक रहा तो बाकी चीज़ें कहाँ से नहीं टिकेंगी। थैंक यू। अच्छा जी बिलाल भाई, देखो यहाँ पर चम्मच वम्मच भी मिलते हैं भाई, किचन का सामान भी है। जी हाँ, यहाँ पर किचन के चम्मच वम्मच। हाँ भाई बच्चे, क्या हाल है, ठीक हो? एक बड़ा प्यारा बच्चा है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और चीज़ें सेल आउट कर रहा है। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप मौजूद हैं फर्नीचर मार्केट में, जहां पर फर्नीचर मिलता है न्यू एंड ओल्ड, यहां पर नया और पुराना दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब हम यहां पर जाएंगे दुकानदार के पास और उनसे पूछेंगे कि नया जो फर्नीचर है वो कितने का है, और जो यहां पर इनके पास पुराने फर्नीचर हैं उनकी क्या प्राइस। इस वक्त मौजूद हैं एक मेटल के जो बेड्स हैं वहाँ पर, सिंगल डबल बेड मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ के शॉपकीपर से जानेंगे कि इनके प्राइस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। हाँ, ये पहले तो ये बताइए कि आपके पास न्यू भी हैं? नहीं, न्यू पलंग खत्म हो गया सुबह में। यूज़ में सारे? हाँ, यूज़ में। अच्छा, ये हमारे बैक साइड में डबल बेड है मेरे ख्याल। हाँ, डबल बेड। इसकी क्या प्राइस है? 18,500 खाली बेड के। खाली गद्दे के साथ? गद्दे के साथ। अच्छा, उसके बराबर में जो है ये 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का। अच्छा, ये इस वक्त आप नाज़रीन देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो वाला जो बेड है 20,000 रुपये का है, और ये जो बेड अभी आप देख रहे हैं ये इसकी क्या प्राइस बताएं? 18। इतना महंगा क्यों? यार लोहे तो पेशा बोल रहा है प्यारे भाई। अच्छा, तो ये भी महंगा हो गया? हाँ, जाहिर है, अब एक चीज़ महंगी तो सब महंगा, सब महंगा होगा। तो अच्छा, सिंगल बेड की क्या प्राइस है? सिंगल ये 12,000 रुपये का, या अभी ये जोली है 24,000। फिलहाल भी दिखा रहे हैं आप दोनों कैमरे, ये जो बेड हैं 24,000 के दोनों हैं? दोनों। जी फ्रेंड, मजीद आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको पता है कि यूपी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे बैग जाने पर अगर आप देख रहे हैं तो मेटल के जो बेड्स हैं वो न्यू भी तैयार किए जाते हैं ऑर्डर पर। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कितने पैसों में डबल या सिंगल बेड तैयार कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह शुक्र। सर, आप मेटल के बेड सिंगल डबल ऑर्डर अगर कोई दे तो आप उसको न्यू भी बना देते हैं? बिल्कुल न्यू बना देते हैं, हमारा कारखाना है भाई लालू खेर 10 नंबर पे, हमारा कारखाना है। सही है। और मैं कारखानेदार हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की एडवर्टाइज के लिए आता हूँ और होलसेल का काम करता हूँ मैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर भी होता हूँ और यहाँ पर भी मैं होलसेल का ही काम करता हूँ।
ऐसी रफली अगर हम बात करें डबल बेड की क्या प्राइस है? डबल बेड इस टाइम जो है हाफ स्टील का जो बेड चल रहा है वो इस टाइम चल रहा है 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का? 16,000। न्यू। व्यूअर जी तो बड़ी अच्छी बात पता चली, हमें वाकई होलसेल में दे रहे हैं, जैसा कि अभी हमने यूज के रेट पूछा कि 20-18 और ये न्यू 16,000 रुपए में आपको डबल बेड बना के दे रहे हैं। अच्छा, अपना नंबर भी टेली करवाएगा देखने वाले, अगर आपसे कोई बुकिंग भी करवाना चाहे तो बात आसानी आपसे रब्ता कर सकते। मेरा नंबर है भाई 0312-0128-5। आपका नाम? मेरा नाम है, हमारे बैक साइड में जो बेड मौजूद है इस वक्त डबल बेड है मेरे का। जी बिल्कुल डबल बेड है। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला बेड 13,000 रुपए का पड़ेगा। गद्दे के साथ? बगैर गद्दे के 14,500 रुपए का इस टाइम गद्दा चल रहा है भाई। अच्छा जी, 14,500 रुपए का गद्दा है मगर 13,000 रुपए का ये बेड मिल जाएगा आपको। 13,000 रुपए खाली है डबल बेड। और सिंगल बेड? सिंगल बेड वो स्टील का बेड है, सही है, वो आपको 12,000 रुपए का मिल जाएगा और गद्दे के साथ ये आपको 17,000 रुपए का। फ्रेंड्स देखें आप इस वक्त हम मौजूद हैं एक और शॉप में जहाँ पर डाइनिंग टेबल भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए वो यहाँ पर मिल सकता है, जैसा कि डाइनिंग टेबल का ये बड़ा सेट है, वो छोटा है, उसके बाद फिर और छोटा है, 6 वाली चेयर्स का या 4 चेयर्स का या 2 चेयर्स का, आपको ये सामान मतलब कि यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम सामान बआसानी मिल सकता है आपको। और जो शर्ट है वो किस रेट पर दस्तियाब है देख रहे हैं आप? और अच्छे बिल्कुल ब्रांडेड है लिवाइस की टैग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र भाई। कितने की दे रहे हो पैंट? 200 रुपए की है, 150 रुपए में दे रहे हैं। सुबह में 200 की बेची, अब सस्ता कर दिया। इतनी सस्ती क्यों कर दी? सस्ती आई है भाई, हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल डालें घी आटा सब महंगा, तुम पैंट ज्यादा बिकेगी कम नफा, मतलब ज्यादा बिकेगी तो सही है ना, नफा सही हो जाए, शाम को सेल बराबर हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, ये पैंट में हर किस्म के साइज है? हाँ जी, हर किस्म के साइज है भाई। अभी तो फ्रेंड देखा आपने कि 150 रुपए की, 150 रुपए की पैंट मार्केट में, 1,000 रुपए की पैंट मिलती है। और इटली फ्रांस सब मुल्कों की पैंट है भाई जान, ये अच्छा मुल्कों की, ये मुल्कों बाहर मुल्क की पैंट है सब, लंदन फ्रांस इटली वगैरह ये रूस सब की है ये। जब भी नाज़रीन देखें जब भी सस्ती है कि ये लंदन फ्रांस रूस पता नहीं कहाँ की है, पाकिस्तान में जैसा कि दालें घी तेल आटा सब महंगा तो पेंट भी महंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद आवाम से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए क्या लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि आप इस यूपी मार्केट में आते रहते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते रहता हूँ। यहाँ पर क्या सस्ता सामान मिलता है? जी हाँ मुनासिब मिलता है, देखो गरीबों के लिए यहाँ पर काफी सहूलतें हैं, ठीक है, बाजार की बनिस्बत यहाँ रियायत मिल जाता है, ठीक है, अच्छी चीज भी मिलती है, नया कपड़ा भी सस्ता मिल जाता है, नई पेंटे शेडे भी सस्ती मिल जाती है, अगर वही चीज मार्केट में लेने जाओ तो 4 गुना ज्यादा रेट होता है। यानी कि महंगाई के इस दौर में जहाँ पर पेट्रोल घी दालें चीनी सब महंगी, वहाँ पर यहाँ पर कुछ ना कुछ सस्ता मिल जाता है। बहुत सुकून है यहाँ, बहुत सस्ता है। अच्छा। गरीब आदमी अपनी जरूरतें यहाँ पूरी कर लेता है, सही, घर की हर चीज यहाँ मिल जाती है, इस्तेमाल की हर चीज यहाँ मिल जाती है, तो ये अच्छा है सेटअप बनाया हुआ है, तो इसमें सबकी रोजगार चल रहा है और जो गरीब आदमी नहीं उसकी पहुंच में बाहर जा से अपना मॉल वगैरह से खरीदने का वो यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हर किस्म की चीज मौजूद है, जिस तरह के कपड़े हो गए या घरेलू चीजें हो गए, जिस तरह हमारे सामने इस वक्त चूल्हे मौजूद है जो कि घरों की जरूरत है और हर घर की जरूरत है, यहाँ पर देखें चूल्हे भी है, मोबाइल एक्सेसरीज भी पड़ी है यहाँ पर, एंट्री चार्जर डेटा केबल सब मौजूद है और रियायती रेट मुनासिब भी है यहाँ पर। सर ये एंट्री कितने की दे रहे हैं? ये 150 रुपए की है। 150 रुपए की एंट्री बुफर वाली? तो अगर मार्केट में क्या प्राइस है इसकी? 250 रुपए। अच्छा मार्केट में इसके प्राइस जो है 250 रुपए, यहाँ पर मौजूद है 150 रुपए में, 100 रुपए का फर्क है। अगर आप यहाँ पर माइंड बना के आते हैं कि आप यहाँ से 6-7 चीजें कपड़े भी खरीदने हैं, घर की कोई चीज भी लेनी है, तो आप यहाँ पर कौन सी 1,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर घर की जरूरत है आजकल, तो सिलाई मशीन हमारी माएं बहने अपने कपड़े खुद ही सी लेती हैं, क्योंकि दर्जियों के या रेट टेलर के रेट बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करती है खवातीन की अपने घर में कपड़े वगैरह सिलाई करके। हाजी फ्रेंड्स अब हम मौजूद है शॉप में इस्त्री की, आयरन की, तो इनसे पूछेंगे कि इनके पास नई और पुरानी अगर इस्त्री होती है तो उसके क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हो? बल्ला पक्का सर। अच्छा भाई यूज में भी इस्त्री होती है? ये नहीं है, यूज में दो पड़ी हुई है। अच्छा नई की क्या प्राइस? नई 1700 की है, 2200 की है। 1700 रुपए न्यू के? क्या वारंटी वगैरह भी? ये
सेल्स होती है, सही चलती है। हाँ जी नाजिन, देखिए अगर बिलाल भाई हमारे दिखाए तो बिलाल भाई इस्त्री बिल्कुल न्यू है, यहाँ पर 1700 रुपए की, और एक साल मशीनें बिल्कुल चेक करवा के देंगे आपको। अगर आप अच्छा अगर आपके इलाके में आपको पता है कि 6000-7000 रुपए की मिल रही है, तो ये यहाँ पर फाइनल इस वक्त दे रहे हैं कि 4500 रुपए की। आप जब आएंगे तो जाहिर है कि और भी चीजें क्या पता आपको उससे अच्छी मिल जाए। अगर आपको लगता है कि रेट कम है इस मार्केट के, तो जरूर विजिट कीजिए और यहाँ से अपने घर के सामान वगैरह लीजिए। यहाँ पर और एलसीडी भी मिलती है यहाँ पर, अगर आपको बिलाल भाई दिखाएं तो बिलाल भाई दिखाइएगा। यहाँ पर एलसीडी भी मिलती है जनाब, न्यू भी पुरानी भी जैसी भी अगर आपको लेनी हो तो आप यहाँ से जरूर विजिट करें और यहाँ से एलसीडी भी खरीदें। और क्या बात है, गाना चल रहा है वीआईपी, बड़ा रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, दिन का देखने जैसा कि रोशनी है और रिजल्ट इसका बड़ा ही साफ है। और ये देखें तमाम एलसीडी मिल सकती है आपको, नई पुरानी, और ये स्टॉल देखें आप, ये हमारे शहजादे टिकटॉकर भी हैं और एक बहुत शहजादा टिकटॉकर है, 100 रुपए की पैंट, क्या बात है। तो हम यहाँ पर अब हम देखेंगे और